हेलो फ्रेंड्स, राध्या गार्डन ट्रिप्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने ये छोटा सा प्लांट है ये शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया है और इसका नेम भी मुझे पता नहीं था, तो मैंने गूगल पे ही सर्च किया इसका नेम। इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर चिली। तो जो इसकी ब्लैक पेपर चिली, इसका नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि बहुत साइज़ में छोटी छोटी सी होती हैं और बहुत प्यारी सी लगती है, कोई इसको चिली भी नहीं बोल सकता है। तो मेरे को जिसने दिया था ना ये सीड, जिन्होंने दिया था उन्होंने मुझे एक चिली दी थी। तो एक चिली से ही ये मैंने प्लांट, दो तीन प्लांट थे तो दो तीन प्लांट को तो मैं बचा नहीं पाई, एक प्लांट मेरा सक्सेस हो गया, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस प्लांट को। तो इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी ना तो मैं बता नहीं सकती, पर सारे जितने भी फ्लावर थे वो नहीं निकले, वो इसमें चिली में कन्वर्ट हो गए सारे फ्लावर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। ये बहुत सुंदर प्लांट है, ये पॉट में बहुत अच्छे से लग जाता है। देखो मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग करी, यहाँ से हार्वेस्टिंग करी, जहाँ पे आपको वाइट वाइट सी दिख रही है ना डंडियाँ सी, ये देखो यहाँ यहाँ से मैंने सारी हार्वेस्टिंग की है। और मैंने इसे दाल सब्जी में यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च है तो केयरफुली खाना है इसे। अगर कोई मिर्ची बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, अपने घर में ज़रूर ग्रो करें। और ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, ये पॉट में बहुत अच्छे से लग जाता है, पर मैंने इसको पॉट में नहीं लगाया, मैंने इसको ज़मीन पे ही लगाया है। जहाँ मैंने इसे लगाया है वहाँ पे मतलब मेरी धूप आती है, 4-5 घंटे की धूप आती है। और अगर मैं इसमें सॉइल की बात करूँ तो, और फर्टिलाइज़र की बात करूँ कि जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही ग्रो किया तो मैंने इसमें ऐसा क्या डाला कि इतनी सारी मेरी फ्रूट्स इसमें लग गए, इसमें इतनी सारी चिलीज़ लग गई। तो उसको देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो समझने के लिए कि इसमें मैंने डाला क्या है। तो मेरी वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, मैं ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो एंड तक बने रहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर मेरे आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये देखिए, अब जब भी जो भी मैंने इसमें डाला है, इसमें मैंने ऑर्गेनिक ही खाद डाली है, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने ज़्यादा यूज़ किया है इसमें, काउडन कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट तो खैर हम डालते ही हैं। और इसमें भर भर के मेरी फ्रूटिंग हुई है, मिर्ची बहुत ज़्यादा लगी है भर भर के, इसमें आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए 15-20 दिन में एक बार इतने लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालती हूँ। और मेन बात ये है कि मैं इसकी ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा गुड़ाई करके रखती हूँ, देखिए आप देख ही रहे होंगे कितनी भुरभुरी सी इसकी मिट्टी है। और बस मेरी यही केयर है, पानी मैं इसमें रोज़ भी डाल दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं है, शाम के टाइम में अगर रोज़ इसमें पानी डाल दूँ, क्योंकि ये ज़मीन में लगा है। अगर मैं पॉट में लगाती तो मेरे को पानी मिट्टी चेक करके देना पड़ना था, पर इसमें मैं हमेशा पानी डालती रहती हूँ। अभी तो खैर बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, तो मैंने 3-4 दिन से इसमें पानी नहीं डाला है। अब दिख रहे होंगे, ये देखिए कितना भर भर के इसमें पत्ते कम और चिली ज़्यादा दिख रही है, तो इसमें कलर भी चेंज होते हैं चिली के। सबसे पहले जो होता है इसका ये ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होने के बाद जब फ्रूटिंग जब स्टार्ट होती है ना इसकी, इस तरह से होती है, ये देखिए ग्रीन कलर की, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद फिर ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, देख रहे होंगे आप जामनी जामनी सा, फिर ये पूरा पर्पल कलर में जामनी में इस तरह से हो जाता है, जामनी से फिर ये रेड कलर में आ जाता है। ये साइज़ है इसका, इतना छोटा सा, देखो इतनी छोटी सी मिर्ची है, 5-6 लोगों की के लिए अगर आप चटनी तैयार कर रहे हो घर पे तो उसके लिए इतनी सी मिर्च बहुत काम कर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च होती है। जो चिली लवर हैं जिनको चिली खाना बहुत पसंद है तो वो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर पे लगाइए, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च है। और ये मैंने काफ़ी हार्वेस्ट की थी, हार्वेस्ट अभी मैंने यहीं से निकाली ये मिर्च, तो मैं सीड्स भी इसके अभी तैयार करूंगी, इसी में ही पकने दूंगी सीड्स को।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस प्लांट को लगाऊंगी, ग्रो करूंगी, सीडलिंग करूंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अपने जो जितने भी मेरे गार्डनर फ्रेंड्स हैं, तो अपने गार्डन में ये वाला प्लांट ना ज़रूर ऐड करना, क्यों बहुत अच्छा प्लांट है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, अलग सा है कुछ ना, बिल्कुल अलग सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। जो भी मेरे घर पे आते हैं गेस्ट लोग, तो सब पूछते हैं ये क्या है, मैं कहती हूँ मिर्ची है, तो बड़े हैरान से होते हैं। अच्छा, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इसे ग्रो किया, तो आप लोग इसको अपने पॉट में बहुत आराम से, ये लग जाता है टेरेस पे, बहुत अच्छे से लग जाएगा। खैर, मैंने तो इसको ज़मीन में लगाया जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो को आप कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना। और ये देखिए, मैं साइड से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इतनी सारी चिलीज़ लगी हैं, और मैंने बहुत सारी तो हार्वेस्ट भी कर ली है सिर्फ एक प्लांट में। तो जब भी मैं इसकी आगे सीड्स लगाऊंगी इसके, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, देखने में बहुत प्यारी लगती हैं ये। ये देखिए, मैं ये पूरा दिखा देती हूँ आपको, ये देखो इतनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हो रही है, चिलीज़ इतनी अच्छे से लगी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूं ये अपनी खुशी। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।